हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और अभी के जो हम लोगों का क्लास स्टार्ट है झारखंड के स्टडी में, उसमें मैं फिर से एक बार झारखंड के 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं आज के क्लास पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी। ठीक है, शुरुआत हेमंत सोरेन की मंजूरी से हुआ। हेमंत सोरेन इस योजना की शुरुआत कौन दिए? हेमंत सोरेन, उन्हीं के द्वारा इसकी मंजूरी मिली, इस योजना की मंजूरी मिली। इस योजना के तहत अकुशल श्रमिक यानी कि जिनके पास स्किल्स नहीं हैं, जो कैपेबल नहीं हैं, वैसे श्रमिकों को ये जो राज्य सरकार है रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन की रोजगार देगी। क्या देगी? 100 दिन की रोजगार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि झारखंड राज्य सरकार ने वकीलों की आर्थिक मदद के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है। तो क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है थोड़ा सा अजीबा, तो अजीब लगने का मतलब है कि अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इसमें अदालत का काम बिल्कुल ठप पड़ गया है, जिसमें कि वकील लोगों का तो आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम आ गया। तो इसी प्रॉब्लम को देख करके राज्य सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की भागीदारी कहिए तो झारखंड की राज्य सरकार जो है वो इन लोगों को 50 लाख रुपए की दे करने के लिए बोली है। 50 लाख रुपए आर्थिक रूप से मदद करेगी, आर्थिक रूप से मदद के लिए कौन करेगी? राज्य सरकार। ठीक है, तो क्या है, झारखंड राज्य सरकार ने वकीलों की आर्थिक मदद के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी? तो वो स्वीकृति दिए हैं कितने रुपए की? 50 लाख रुपए की, यानी कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में, तो ये हैं MS धोनी। MS धोनी का मतलब समझें, MS थोड़ा दूर लिखूं, ठीक है, MS धोनी, इनको माही भी कह सकते हैं, माही बहुत लोग बोलते हैं इनको, महेंद्र सिंह धोनी ये झारखंड से ही है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी यानी कि ये लाजवाब खिलाड़ी हैं और विकेट कीपर भी हैं, तो एकदम बेस्ट विकेट कीपर हैं और काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं ये। कौन? महेंद्र सिंह धोनी, जो कि क्या कर लिए, संन्यास ले लिए। ये जो संन्यास लिए हैं ये 15 अगस्त को शाम में क्रिकेट से क्या कर लिए, संन्यास ले लिए, जो कि क्रिकेट के काफ़ी मतलब फिनिशर खिलाड़ी हुआ करते थे, वो क्या कर लिए 15 अगस्त के शाम को क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिए। और ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कौन है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त की शाम को संन्यास ले लिया। ये बहुत सारे क्रिकेट टीम खेले हैं, मतलब ये क्रिकेट में भागीदारी इनकी रही है। वैसे जो कुछ कुछ और हैं उनको बता दूं मैं, जैसे ये 350 वनडे,
और 90 टेस्ट 98 टी20। इसके अलावे भी इनकी क्रिकेट में भागीदारी रही है। इंटरनेशनल लेवल पे थे ये, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अब तो संन्यास ले ही लिए हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फाइलेरिया उन्मूलन अभियान झारखंड के कितने जिलों में शुरुआत की गई? फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, ये जो अभियान है देख रहे हैं आप लोग, ये झारखंड के 13 जिलों में, शुरुआत की गई। कौन सी अभियान? फाइलेरिया अभियान। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत जो है ये झारखंड में ही जो 13 जिलों की बात यहाँ पे की गई है स्टार्टिंग में, यानी कि शुरुआत में की गई है। तो इसका लक्ष्य है ₹1.96 करोड़ लोगों को दवा वगैरह दे करके इस चीज़ से क्या करना, मुक्त करना। क्या है? फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत है। इस अभियान का संचालन जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं। और इसका जो टाइमिंग है, अभी टाइमिंग चल रहा है, मतलब अभी यानी कि चलिए रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है प्रेजेंट में, तो ये है 10 से 20 अगस्त तक के बीच में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान झारखंड के कितने जिलों में किया गया? तो ये यहाँ पे देखें कि 13 जिलों में इसकी शुरुआत की गई और इसका लक्ष्य है कि 1.96 करोड़ लोगों को ठीक करना है। और इसका संचालन बन्ना गुप्ता कर रहे हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। और 10 से 20 अगस्त का जो डेट है, अभी आज 18 अगस्त है ना, तो 10 से 20 अगस्त के डेट में ये अपने काम को जारी रखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है कि हाल ही में झारखंड में गोल्डन गर्ल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में झारखंड में गोल्डन गर्ल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है इशिका भटिया, ये कहाँ की हैं? बोकारो की। इनको गोल्डन गर्ल्स अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब जाने कि इनको इस अवार्ड से कौन संस्था, ये अमेरिकी गर्ल्स स्कॉट ऑफ USA, गर्ल्स स्कॉट ऑफ USA, ये जो आप देख रहे हैं गर्ल्स स्कॉट ऑफ USA, तो ये संस्था किसकी है? अमेरिका की है, अमेरिकी संस्था है। और इसी संस्था के द्वारा इशिका भटिया हैं बोकारो की, इनको सम्मानित किया गया है गोल्डन गर्ल्स अवार्ड से। बात की जाए इनकी, इशिका भटिया की, कहाँ की है? ये बोकारो की। ये 2018 में बोकारो एवं चास
चास नगम नगर निगम है बोकारो के ही ये में जिला में। तो इस समय में इनका प्रोजेक्ट था, किनका, इसी का, भटिया का। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्योर वाटर प्योर लाइफ। किनके प्रोजेक्ट का नाम था, इसी का भटिका के प्रोजेक्ट का नाम था। ये प्रोजेक्ट कब ये बनाई थी, 2018 में बोकारो एवं चास के लिए। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ के जितने भी लोग थे उन लोगों को कुपोषित होने से बचाएं इस प्रोजेक्ट के द्वारा। इसलिए इनको क्या मिला, गोल्डन गर्ल अवार्ड के रूप में इनको सम्मानित किया गया। और हाँ, इनका प्रयास हमेशा से रहा है, अभी भी है, प्रयास है कि सारे स्कूलों में आरओ वाटर की व्यवस्था करवाना हमेशा से इनका प्रयास रहा। तो यहाँ पे आप लोग देखें झारखंड के 5 टॉप ट्यूशन जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और हमारे जितने भी वीडियो हैं तो सारे वीडियो को आप लोग देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।